क्रिस्पी नूडल दोनों मिक्स करके बनाए हैं एंड बहुत टेस्टी बने हैं, आप भी ट्राई जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड आप सब कैसे हो, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड सुबह के 11 बज गया, ये देखिए कोई काम नहीं किया फ्रेंड घर का अभी मैंने, और आज फ्रेंड ये जो बेड के गद्दे है ना, मैट्रेस है, इनको फ्रेंड मैंने धूप लगानी है, इनको बाहर रखूंगी मैं ट्रेन नो। और फ्रेंड ये जो है सोफा कम बेड, इसको भी मैंने धूप लगानी है, इसको भी बाहर निकालूंगी। पहले मैं बेड वाले गद्दे बाहर निकाल दूंगी क्योंकि इनको धूप लग जाएगी तो फ्रेंड थोड़ा ठीक हो जाएगा, और इनको फिर बिछा दूंगी मैं, फिर फ्रेंड मैं दूसरे वाला वो करूंगी मतलब बाहर निकालूंगी। पहले मैं बाहर झाड़ू लगा दूंगी थोड़ा सा क्योंकि बाहर मिट्टी ना हो, क्योंकि गद्दे बाहर डाल दूंगी पहले, वहां पे मैं जहां पे गद्दे को धूप लगाऊंगी वहां पे झाड़ू लगाने लगी हूँ। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे ना पहले झाड़ू लगा दूंगी, यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे गद्दे डालने हैं ना मेरे को, तो फ्रेंड यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ मैं, ये थोड़ी मिट्टी से साफ कर दूंगी, पोचा बाद में लगाऊंगी, तो फ्रेंड यहाँ पे गद्दे आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड गद्दे मैंने निकाल दिए हैं बाहर दोनों, इधर वाला भी और इधर वाला भी, थोड़ी हवा लग जाएगी, इसको भी इधर कर दूंगी, इधर अभी धूप नहीं आई है, फिर इसको इधर कर दूंगी। और ये बेड के ऊपर ये प्रोटेक्टर बिछाया हुआ था मैंने फ्रेंड, इसको इतनी धूप की जरूरत नहीं है बस, इसको फिर भी मैंने थोड़ी देर धूप में डाल दिया, इसको फिर साफ करके झाड़ के अंदर ही रख दूंगी 10 मिनट के बाद, और ये गद्दे को हवा लग जाएगी, धूप लग जाएगी, आज इसको यहीं पे रहने दूंगी 1.5 घंटा इनको यहीं रहने दूंगी फ्रेंड। और अभी पड़ा है घर का भी सारा काम, ये देखिए ये सारे पिल्लो पड़े हैं, इनके भी मैंने कवर उतार दिए हैं, और ये बेड है फ्रेंड, बेड पे भी फ्रेंड इनको भी मैंने थोड़ा साफ करना है, और अभी मैं इनको साफ करने लगी हूँ, बाद में आपको मिलती हूँ, उनको खोल लूंगी। और थोड़े से मेरे हस्बैंड के ये कपड़े थे सर्दी वाले हैं फ्रेंड, इनको भी मैंने रखना है तो अभी ये रखूंगी। तो फ्रेंड दोपहर के 12 बज गए हैं, 12 से भी 12:15। ये देखिए फ्रेंड ये वाला गद्दा अब मैंने बाहर डाल दिया है, बड़े वाला, ये सोफा कम बेड है फ्रेंड, इसके जो ऊपर मैंने कपड़े बिछाए होते हैं वो भी मैं बाहर ही धूप लगवा रही थी उनको भी, और अभी धूप फ्रेंड बहुत ज़्यादा मध्यम सी हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे था ना ये गद्दा, तो यहाँ से मैंने कहा यहाँ पे भी थोड़ी हवा लग जाएगी, जो नीचे चटाई बिछाई थी वो भी मैंने बाहर डाल दी, और फ्रेंड बेड मैंने साफ कर दिया, और जो सर्दी वाले कपड़े थे मेरे हस्बैंड के वो भी मैंने रख दिए, और बेडशीट बिछा दिया, दूसरी वाली उठा दी फ्रेंड। और ये जो गद्दे मैंने पलट के बिछाए हैं जो गर्मी में बिछाते हैं ना, उधरली साइड से मैंने इनको बिछा दिया है फ्रेंड। ये देखिए बच्चे बैठे थे खाना खा रहे थे, और फ्रेंड मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, बस ये एक बेडशीट रह गई है, और फ्रेंड इसको भी धुलूंगी मैं अभी, और दूसरे वाले कपड़े अभी मैं डाल दूंगी बाहर। ये देखिए फ्रेंड ये धुल गए हैं, जो हमारे कपड़े थे वो धुल गए हैं फ्रेंड, इनको निकालूंगी मैं। और फ्रेंड आज बस यही काम किया, जितने भी सर्दी वाले कपड़े थे ना मैंने सारे उठा के रख दिए, बस बच्चों का सिर्फ एक एक सूट वो भी मैंने उठा के रख दिया, अगर बारिश वगैरह हो जाती है बच्चों को ठंड लगे तो मतलब फुल स्लीव करो पैजामी वाले जो सूट होते हैं ना वो मैंने इनके बस बाहर रखे हैं, बाकी स्वेटर वगैरह थे वो तो मैंने कब के रख दिए थे फ्रेंड, बच्चों के लिए अभी ठंड है, और वैसे भी फ्रेंड बच्चे जब एसी में सोते हैं तो उनको फुल स्लीव वाले कपड़े पहनाने चाहिए, तो एक एक दो दो सूट इनका भी मैंने रखा हुआ है, बाकी मैंने अपने हस्बैंड के और अपने सारे कपड़े रख दिए हैं फ्रेंड। और कंबल पतले वाले होते हैं जो एसी वाले कंबल वो निकाली है, और मोटे वाले कंबल भी रख दिए हैं। तो फ्रेंड आगे की मेरी जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगी, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड शाम के 3:30 हो गए हैं, और फ्रेंड ये अब मेरा काम सारा हुआ है फ्रेंड, ये देखिए ये सोफा मैंने धूप लगवा के, सारे इसके कपड़े वगैरह पिल्लो वगैरह सबको धूप लगा के फ्रेंड अभी मैंने ये यहाँ पे रखे हैं, और अभी पंखा चला दिया क्योंकि ये चटाई भी मैंने साफ़ की थी, गिल्ली नहीं है लेकिन फिर भी मैंने पंखा चलाया हुआ है फ्रेंड। ये देखिए पंखा चल रहा है, और अंदर भी गद्दे को धूप लगवाई थी, जो बेड वाले मैट्रेस थे उनको धूप लगवाई थी फ्रेंड, ये भी मैंने मतलब बिछा दिए हैं, अभी वो वाले पिल्लो हैं जो उसके कवर धुले हुए हैं अभी मतलब गिले हैं थोड़े, तो मैंने वो नहीं चढ़ाए हैं, बाकी सारा हो गया काम। और फ्रेंड खाना बच्चों ने खा लिया था, मतलब मैंने 1 बजे इनको दे दिया था, अभी कह रहे हैं फ्रेंड के बच्चे हमको भूख लगी है, तो फ्रेंड अब मैं तो फ्रेंड अभी बच्चों के लिए मैगी बनाऊंगी मैं, मैगी बनाने के बाद इनको खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, 2 पैकेट बनाऊंगी फ्रेंड, बच्चे दोनों खा लेते हैं मैं भी खा लूंगी, छोटी वाली गुड़िया को मैं इतनी नहीं देती लेकिन वो भी खा लेगी फ्रेंड, तो मैगी खाएंगे पहले, मतलब नूडल्स बनाऊंगी, एक मैगी वाला है और यूपी वाला है, तो फ्रेंड मैं इनको बनाऊंगी, लेकिन फ्रेंड इसको मैगी ही बोलते हैं ना, मैगी मैगी तो एक कंपनी होगी ना फ्रेंड, जैसे यूपी होगी ना, पता नहीं क्यों इसको मैगी बोलते हैं। चलो मैगी बनाते हैं, और साथ में ये फ्रूटी लेके आई थी बच्चों के लिए, ये भी पी लेंगे, अभी इनको दिखाई नहीं मैंने, तो फ्रेंड अभी बना रहे हैं हम मैगी। तो फ्रेंड ये देखिए मैगी मैंने बना ली है, और अभी खाने लगे हैं हम मैगी। तो फ्रेंड अभी खा रहे थे हम मैगी, और फ्रेंड मैंने मैगी नूडल और यूपी नूडल दोनों मिक्स करके बनाए हैं फ्रेंड, बहुत टेस्टी बने हैं, आप भी ट्राई जरूर करें, आप भी जरूर ट्राई करें फ्रेंड, जरूर बना के देखिए कैसे बनते हैं, और मेरे को कमेंट जरूर करें। और अगर आपको
ये मैगी नूडल्स की रेसिपी चाहिए ना फ्रेंड कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो शॉर्ट्स वीडियो में मेरी रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स हमने मैगी खा लिया है और अभी बच्चे भी और मैं भी थोड़ी देर बस यहाँ पे बाहर सोफे पे बैठे थे, तो फ्रेंड थोड़ी रेस्ट कर रही थी। आज मैं सारा दिन ही बिजी रही हूँ फ्रेंड, बच्चे तो सो लिए, छोटे वाली गुड़िया तो सो भी लिया और ये तो सोई भी नहीं है फ्रेंड अभी तक, और अभी सिलाऊंगी भी नहीं इसको क्योंकि अभी बस रात को नहीं सोएगी है। तो फ्रेंड अभी कपड़े जो धुले थे उनको तेल लगाना है, बस थोड़ी रेस्ट करके फिर तेल लगाऊंगी शाम की तैयारी। तो फ्रेंड अभी मैं उतार के आई हूँ ये सारे कपड़े, फ्रेंड अभी बाहर भी पड़े हैं थोड़े वो गीले हैं, इनको फ्रेंड मैं तैल लगाऊंगी अब, और 6:30 हो गए हैं फ्रेंड, 6:20 हो गए थे, तो फ्रेंड इन कपड़े तैल लगाने के बाद फिर जोत जगाऊंगी। और फ्रेंड आज मैंने सुबह में कद्दू की सब्जी बनाई थी तो उसी के साथ खाना खाएंगे फ्रेंड, और अभी लगाऊंगी कपड़े तय। तो फ्रेंड देखिए मैंने जोत जगा दिया है, 7:30 हो गया, जोत मैंने 7:15 जगा दी थी। और ये देखिए फ्रेंड सारे कपड़े भी मैंने तय कर दिए थे इधर से, और ये फ्रेंड मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं जो सुबह उन्होंने नहा के पहने होते, तो मैं इस टब में रख देती हूँ फ्रेंड कपड़े उनके, फिर इधर उधर से अगर वो उनको मिलते नहीं हैं कभी तो फिर मैं शाम को उनके सारे कपड़े तैयार करके यहाँ पे रख देती हूँ फ्रेंड, जो उन्होंने कल डालने होते हैं, नहीं तो अगर कहीं से ढूंढेंगे तो ज़्यादा इधर उधर कपड़े बिखेर देते हैं। तो फ्रेंड अब बनाऊंगी मैं खाना। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल आपको फिर मिलूंगे एक नया ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।